था तो बाबा ने कहा था कि अगर आप याद कर लोगे तो मैं आपको मुझे नहीं रह जाऊंगा। ले गए हुआ है हाँ नहीं उम्रा का अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह के नबी आप सच्चे, आपकी नस्ल सच्ची, आपकी जद सच्ची, आपको शरण सब सबसे आला, आपकी ज़ात अल्लाह के बाद सबसे आला, आपके और हमारे दरमियान आखिरत का पर्दा अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुलाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहद। ये मन जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अनस कुंदल, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मरियम अकरम, जिनकी जो एज है वो 6 साल है, और 3.5 साल के अंदर इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब जो है वो याद किया। इससे पहले नाज़रीन मौलाना तारिक जमील साहब ने जो है 2000 के अंदर शजर नसब को याद किया था, मदीना मुबारक में जाके उन्होंने वहाँ पर सुनाया था। तो नाज़रीन ये पाकिस्तान की सबसे पहली कम उम्र बच्ची हैं जिन्होंने शजर नसब 3.5 साल की उम्र में याद किया, और 4 साल की उम्र में ये मक्का मुकरमा मदीना मुनवरा में गई उम्रा अदा करने के लिए, और वहाँ जाके भी शजर नसब को सुनाया। तो नाज़रीन देखा जाता है कि लोग जो हैं मज़हबी तालीम के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, इस उम्र के अंदर जो बच्चे हैं वो गेम खेलते हैं और अदर एक्टिविटीज़ के अंदर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बच्ची है जब इन्होंने शजर नसब को याद किया तो मौलाना तारिक जमील साहब ने इनसे मुलाकात करने की रिक्वेस्ट की, और उसके बाद ये मौलाना तारिक जमील साहब के पास गई और वहाँ जाके शजर नसब सुनाया, उन्होंने इनको शाबाश दी और काफ़ी इसको सराहा। तो नाज़रीन इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताओ कि ये आपको किसने कहा था कि ये याद करो? ये मेरे बाबा ने कहा था। तो किस एज में आपने याद किया था? ये मैं 3.5 साल की थी तो फिर मैंने। तो इस वक्त आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं अब 2 में हूँ। 2 में? 2 क्लास में। अच्छा ये कितनी देर लगी थी आपको ये याद करने में? मुझे 1 वीक लगा था। 1 वीक? यस। चलें फिर आज सुनाएं लोगों को। अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह के नबी आप सच्चे, आपकी नस्ल सच्ची, आपकी जद सच्ची, आपको शरण सब सबसे आला, आपकी ज़ात अल्लाह के बाद सबसे आला, आपके और हमारे दरमियान आखिरत का पर्दा अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुलाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहद बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमीसा बिन सलमान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिक बिन इज़ाबिल बिन ज़ास बिन इज़लाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माफी बिन ऐफी बिन अबकर बिन बैद बिन अदुआ बिन हमजान बिन सम्बर बिन यसनबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरवा बिन ऐज़ी बिन दिशान बिन इसद बिन अतनाद बिन लिहाम बिन मुकसर बिन नाहिद बिन ज़ार बिन समी बिन मज़ी बिन इरक बिन आराम बिन किदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन अदर बिन नहूर बिन सरूज बिन रऊफ बिन फ़ायद बिन आबिर बिन फरशाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मदशालिक बिन इदरीस बिन यतर यरद बिन मलहलील बिन किनान बिन अनूश बिन शीशर बिन आद बिन सातुस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएँ कि जब आप मौलाना तारिक जमील साहब से मिली थी तो उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने शाबाशी दी थी और उन्होंने मुझे कहा था चाइल्ड स्टार। चाइल्ड स्टार है और गिफ्ट भी दिए होंगे उन्होंने? हाँ जी। अच्छा इसके अलावा आपको अल्लाह के नाम भी आते हैं, वो भी सुनाएंगे आप हमें? हाँ जी। अरे अल मुसव्विर अल गफ्फार अल कहार अल वहाबुर रज़ाक अल फतार अलीम अल काबिज अल बासित अल खाफिज अर राफि अल मुइज़ अल मज़ीन अस समीर अल बसीर अल हाकिम अल लतीफ अल खबीर अल हलीम अल अज़ीम अल गफूर अल शकूर अल अली अल कबीर अल हफीज़ अल मुकीत अल हसीब अल जलील।
المبسط الجاني الغني المغني المعز النافي النور الهادي البديع الباكي الفارس الرشيد الصبور. ما شاء الله بہت زبردست. اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہو؟ میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں. پائلٹ بننا چاہتی ہوں؟ ہاں جی. تو کس کلاس میں آپ اس وقت؟ اب میں 2 کلاس میں ہوں. 2 کلاس میں؟ ہاں جی. تو مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ ہاں جی. ان کو ہمیشہ سنتی ہو آپ؟ ہاں جی. جی ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. اس عمر کے اندر انہوں نے شجر نصب کو یاد کیا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ یاد کیے. ناظرین دیکھیں کس طرح اس بچی نے اتنی خوبصورت آواز کے اندر جو ہے شجر نصب اور ساتھ ساتھ اللہ کے جو نام ہیں وہ سنائے. تو ناظرین یہ خدا کی ذات اس کو سلامت رکھے اور ترقی دے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین کو سلامت رکھے. ناظرین دیکھتے رہیں نیا پاکستان. اللہ حافظ.